हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी स्लैब के बारे में, पोस्ट टेंशन स्लैब के। इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन में किस तरीके से ये स्लैब को पार्ट वाइज फिल करते हैं, या इसकी जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको एक वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि डिटेल प्रोसेस किस तरीके से होता है। सो प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्टली यू विल ब्रिंग द केबल्स। सबसे पहले केबल्स आते हैं पीटी स्लैब के, देन दोज केबल्स आर मेजर्ड विद द स्लैब लेंथ एंड दे हैव टू कट इट डाउन इंटू पीसेस। आपका जो स्लैब लेंथ होता है वो स्लैब लेंथ के आपके केबल्स कट होते हैं और उनको पीसेस में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद द नेक्स्ट द सेपरेट पीसेस व्हाट यू मेड आर केप्ट असाइड फॉर फर्दर प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं जो केबल कट किया गया है उसको हम एक साइड में रख देते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट उसके ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर लगा दिया जाता है, लेंथ नंबर या बीम नंबर, वो लगाकर उसको एक साइड रख देते हैं। देन द एंड्स ऑफ द केबल्स विल बी स्प्लैश्ड, यानी जो कटिंग करने के बाद में आपके एंड्स जो प्लेन होते हैं उसको स्प्लैश कर दिया जाता है, यानी पूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो होता है 100 mm रखकर उसको स्प्लैश कर दिया जाता है, मीन्स दे आर द केबल्स आर डिवाइडेड इन टू देर वायर्स। देन नेक्स्ट आपका जो स्लैब शटरिंग होता है साइड, उसके अंदर आप मार्क करते हैं विड्थ ऑफ द ट्री, यानी आपका जो पीटी स्लैब का जो रैक आएगा वो आप मार्क करेंगे, उसमें मार्क कर यू विल गिव ए होल ओवर देयर एंड दैट विल बी 150 mm। दैट इज योर कपलिंग। ये कपलिंग आपका इसमें से इस तरीके से बैठेगा एंड द ट्री टेप जिसको वो बांध रहे हैं ट्रे, एंड दैट इज़ द रीइन्फोर्समेंट फॉर द एंड सपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ट्रे बिछा दिया गया है इसमें भी, अभी उसके अंदर से आपका वायर पास होगा एंड द जॉइंट्स आर फिल्ड अप विद द टेप। सेम प्रोसेस जहाँ पर भी जॉइंट होता है देयर विल बी ए बीम, उसको आप इंसर्ट कर देते हैं। देखिए जैसे कि देख रहे हैं आप द केबल्स आर पास थ्रू द ट्रे एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द शटरिंग, शटरिंग के बाहर वो केबल्स आ जाते हैं। देखिए आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों साइड में भी आपका यानी लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर डन। देन इसके बाद में जब आपका केबल बाहर आ जाता है उसको आप टाई कर देते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोसेस द डिस्टेंस इज मार्क्ड ऑन द सेम डिस्टेंस चेयर्स आर प्रोवाइडेड। नीचे देख सकते हैं आप चेयर्स, यानी आपका टॉप मैट बॉटम मैट दो रहेगा इसमें, तो चेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। वो चेयर से आपका जो ट्रे होता है इट विल बी बाइंडेड, उसको उसके साथ बाइंड कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट दिस इज द ग्राउटिंग पाइप। एक ग्राउटिंग पाइप दिया जाता है जो लास्ट में आपको ग्राउट करना होता है, वो पाइप आपको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है विथ योर ट्रे। ये ग्राउटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वायर और केबल का जो आपका बॉक्स होता है उसके बीच का डिस्टेंस फिल करने के लिए। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड, द केबल्स आर लेड ऑल ओवर द स्लैब। देखिए ऑल द केबल्स हैव बीन लेड इन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट कॉन्क्रीटिंग इज़ टू बी डन। कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं आप स्लैब का पूरा, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। वंस द कॉन्क्रीटिंग इज कम्प्लीटेड द फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट द कंप्रेसर। नाउ यू हैव टू सी, जो थर्माकोल हमने लगाया था वो थर्माकोल फिनिशिंग निकाल देंगे। नाउ द केबल्स आर एक्सपोज, सो हियर वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड ए कपलर। ए कपलर विल बी प्रोवाइडेड इन दैट ओपन प्लेस, उसको प्लेस कर दिया जाता है। देन ए राउंड फ्लैंज विल बी देयर, लाइक इट्स ए पैकिंग, वो कपलर को पैकिंग दी जाती है। देन नेक्स्ट वील प्रोवाइड ए कंप्रेसर मशीन ओवर देयर एंड वील टाइटन इट। ये जो हो रहा है दिस इज द प्रोसेस। लाइक यहाँ पे क्या है, आपका जो पाइप का एंड है वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो उससे आपका जो कपलर रहेगा उसका मेजरमेंट ले लिया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 8 inches, तो ये एक बार टाइट कर देंगे इसको तो पता चलेगा कि कितना टाइट हुआ है. देन नेक्स्ट वी हैव टू मेजर इट, ए प्रेशर विल बी अप्लाइड एंड इट विल बी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस कर दिया जाता है उसको, खींचा जाता है. देन आफ्टर दिस प्रोसेस देन वी हैव टू मेजर वंस अगेन द लेंथ फ्रॉम द फेस ऑफ द कपलर और फ्रॉम द पैकिंग. नाउ सी इट हैज़ गॉन 1 inch, 8 inch इट वॉज एंड इट बिकेम नाउ 9 inches. सो नाउ इट मीन्स इट इज़ गोइंग एज पर द प्रोसेस, ये करेक्ट से एग्जैक्टली टाइट हो रहा है. नाउ सी द डिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग, फिर उसको एक बार फुल से फुल्ली टाइट कर दिया जाता है, इट विल बी टोटली स्ट्रेस्ड, यानी उसको पूरा आखिरी जो लिमिट होता है वहाँ तक खींचा जाता है उसको. देन द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, द रीडिंग्स विल बी नोटेड डाउन एंड वंस इट इज़ डन फ्रॉम द स्लैब फेस वी हैव टू कट द एक्सेस केबल्स वॉट वी आर गेटिंग आउट एंड दैट पोर्शन विल बी फिल्ड विथ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट. इट विल बी पैक्ड टोटली, इट विल बी सबमर्ज्ड. सी द सेम थिंग हैपन्स विथ ऑल द केबल ओपनिंग्स, जहाँ पर भी केबल ओपनिंग्स आ रहे हैं वहाँ पर पूरे ओपनिंग्स को क्लोज कर दिया जाता है. देन नेक्स्ट ग्राउटिंग विल बी टेकन प्लेस. ग्राउटिंग कैसे करेंगे आप इसको, द पाइप, जैसे आपने पहले देखा था एक पाइप जो उन्होंने लगाया था, वो पाइप के थ्रू आप ग्राउटिंग करेंगे इन द ट्रे. जैसा आपने देखा था कि होल्स एक बार ओपन होने के बाद जैसे ही आप कपलर निकालते हैं, यू कैन सी द केबल ट्रे, द केबल ट्रे इज़ हॉलो, इन दैट ओनली केबल्स आर देयर. तो वहाँ पे आपने जो ऊपर से पाइप डाला था वो पाइप के थ्रू आप वहाँ पर ग्राउटिंग कर देंगे. देखिए दिस इज़ द ग्राउटिंग मशीन, यू आर पोरिंग द सीमेंट एंड द कॉन्क्रीट. सी हियर फ्रॉम वन एंड दे आर गोइंग टू पोर द प्रेशर ग्राउटिंग एंड द फ्रॉम अदर एंड इट विल ओवरफ्लोज. देखिए वहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ओवरफ्लो, दैट मीन्स द केबल ट्रे इज टोटली फुल्ड. वंस वी हैव स्ट्रेस द कॉन्क्रीट द केबल ट्रे इज फुल्ड. तो यही है एक छोटा सा प्रोसेस पीटी स्लैब का. तो और इंटरेस्टेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.